हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सीएससी से सिविल रिकॉर्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अभी सीएससी पे एक ऑफर चल रहा है, आप सिर्फ ₹1 में है जो अपना सिविल रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो। मैं आज की इस वीडियो में आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप अपना सिविल रिकॉर्ड है जो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आप ये सिविल रिकॉर्ड अपना डाउनलोड करते समय एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप इसको क्रोम में ओपन करोगे तो या तो आपकी सीएससी आईडी बार बार लॉग आउट हो जाएगी या फिर आपने जो बायोमेट्रिक या फिर ओटीपी से वेरिफिकेशन करते हो तो वहां से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। इसके लिए आपको मोजिला का लेटेस्ट वर्जन ही यूज करना होगा। अगर आप मोजिला का लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहे हो तो आपको पहले मोजिला को अपडेट कर लेना है, उसके बाद में उसका वर्जन है जो अपडेट यूज करना होगा। आप मोजिला में यूज करोगे तभी आप जो सिविल रिकॉर्ड है डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेट कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आपको आपका सिविल रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए इस प्रकार से आपकी सीएससी सबसे पहले है जो ओपन कर लेनी है। सीएससी ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सिविल वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पे ओके कर देना है। अगर आपको यहाँ पे सिविल वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो आपको इस सर्विस वाले ऑप्शन में आना है। इस ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पर आपको एक सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा सिविल। जैसे आप यहाँ पे सिविल टाइप करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा सिविल वाला, तो आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो पेज रीलोड होगा और इस प्रकार से आपके सामने जो एक नया पेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने नया पेज आने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिटेल है वो फिल कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से आपकी डिटेल फिल करनी है। जैसे आपका फर्स्ट नेम आ गया, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको फर्स्ट नेम में पूरा नाम आपका डाल देना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको आपका एड्रेस चूज करना है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट है, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है तो रेजिडेंस एड्रेस, अगर ऑफिस एड्रेस है तो आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप आधार का ऑथेंटिकेशन करोगे वो किस प्रकार से करोगे, बायोमेट्रिक से करोगे या फिर ओटीपी से करोगे, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं बायोमेट्रिक से करता हूँ, तो बायोमेट्रिक चेक करने के बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे ओके करोगे तो जो भी आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस लगी हुई है डिवाइस यहां से स्कैन कर लेगा। उसके बाद आपको चेकबॉक्स पे ओके करना है और कैप्चर पे ओके करना है। जैसे आप कैप्चर पे ओके करोगे तो इस प्रकार से आपको आपका कैप्चर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जो भी आपका जिला है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद में आपको चेकबॉक्स पे ओके करना है और आपको ऑथेंटिकेशन पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपका ₹1 है जो आपके डिजी पे से आपको देना पड़ेगा, मतलब टोकन जनरेट करना पड़ेगा और ये है तो बाद में वापस आ जाएगा आपके डिजी पे के में, कैशबैक में वापस आ जाएगा। उसके बाद आपको पे करना है यहाँ से। जैसे आप इसको पे करोगे तो पेज रीलोड होगा और इस प्रकार से पेज रीलोड होके और आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आ गया आपकी सिविल रिपोर्ट, आप डाउनलोड रिपोर्ट पे ओके करके है जो अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और व्यू रिपोर्ट पे ओके करके आपकी रिपोर्ट है जो देख सकते हो। दोस्तों, मेन बात ये है कि आपको इसको मोजिला में ही ओपन करना होगा। अगर आप क्रोम में ओपन करोगे तो ये काम नहीं करेगा सर्वर, आप या तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा या आपको बैक भेज देगा, तो आपका यहाँ पे या बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं करेगा, तो इस प्रकार के आपको एरर आएगी। तो इसके लिए आपको मोजिला ब्राउजर ही है जो ओपन करना पड़ेगा। तो मोजिला ब्राउजर में अगर आप ओपन करोगे तो आपका है जो सिविल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी बिल्कुल फ्री में, मान लो फ्री जैसा ही है, ₹1 कट रहा है, वो भी आपका है जो कैश बैक में वापस आ जाएगा सीएससी वॉलेट के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई नई और ताजा जानकारियों के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।